अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैंने चिकन लिया है 300 ग्राम, ये बोनलेस चिकन लिया है मैंने। चिकन फ्राई बनाऊंगी आज मैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, इसको मैं सिरका नमक सब डाल करके मैंने इसको अच्छे से धोया है। सो छोटे टुकड़े में काट कर रख लिया है इस तरीके से। तो चलिए सारा मसाला डाल देते हैं इसके अंदर। तो चलिए हम मसाला डाल देते हैं। इसका मसाला जैसे पानी जो होता है चिकन का, अच्छे से मैंने सुखा लिया है उसको। इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लिया मैंने हल्दी पाउडर, ये 1 चम्मच पूरा भर कर लिया है, समझ लो 1 से 1.25 चम्मच है ये। ये लाल मिर्च लिया है मैंने, थोड़ा सा दरदरा लिया है। ये धनिया पाउडर 1 चम्मच ले लिया है मैंने, और ये मैंने कुटा हुआ भी धनिया लिया है, भुना कुटा है ये, तो ये भी लूँगी। और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये 1/2 चम्मच ये भी डाल दिया मैंने इसके अंदर। ये ज़ीरा पाउडर है 1 चम्मच है, ये मैंने लिया है 1 चम्मच, थोड़ा कम है 1/4 चम्मच है ये। गरम मसाला ये भी डाल देंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे फूड कलर, क्योंकि थोड़ा सा लिया है मैंने, 1 चुटकी के करीब फूड कलर है ये। उसी चम्मच ले लिया मैंने 1/2 चम्मच चाट का मसाला, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। इसमें डाल देंगे दही, दही बिल्कुल सूखा लेना है, दही डाल देंगे इसमें 50 ग्राम करीब। इसमें नमक डाल देंगे हम टेस्ट के हिसाब से। चलिए इसमें डाल देंगे हम नींबू, नींबू का रस ले लेंगे इसके अंदर 1 से 2 चम्मच। आप इसमें सिरका भी डाल सकती हैं, मैंने नींबू डाला है इसके अंदर, पूरा 1 नींबू मैंने निचोड़ दिया इसके अंदर। ये जो बीज है इसको हम निकाल लेंगे। चलिए सब डाल दिया मैंने इसके अंदर, पूरा नींबू का रस डाल दिया है। हम इसको मिला लेंगे, इसको अच्छे से मिला करके रख देंगे। चलिए इसको मैंने हाथों से मिला लिया है, इसमें नमक थोड़ा सा और डाला है, आप टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। इसको अब मैं रखूंगी सिर्फ 30 मिनट के लिए, तब मैं इसको फ्राई करूंगी। आप इसको 1 घंटा 2 घंटा ओवर टाइम भी रख सकती हैं, जितना देर रखेंगे उतना अच्छा बनेगा आपका ये। तो मैं सिर्फ 30 मिनट रखूंगी, अगर जल्दी तो बना लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए हम गैस ऑन कर लेंगे। चलिए हम इसको ढक कर रख देते हैं 30 मिनट के लिए। चलिए 30 मिनट हो गया है, इसको गैस मैंने ऑन कर रखा है, कढ़ाई मैंने तेल लगा के मैं इसको गर्म कर रही हूँ। ये तेल हमारा पूरा गर्म होना चाहिए, जब ये अच्छे से ये जो मसाला है अच्छे से पकड़ लेगा इसके अंदर। तो चलिए अब हम इसको इसमें डालेंगे। चलिए तेल गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम हम मीडियम पर रखेंगे, और उसके अंदर हम इस तरह से आप चाहे चम्मच भी डाल सकते हैं, देखिए इसमें इस तरह से सबको डाल देंगे। चलिए सब डाल दिया मैंने, जितना इसके अंदर आ गया उतना डाल दिया है मैंने, और इसको हम हिलाएंगे नहीं, 30 सेकंड तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए देखिए 30 सेकंड हो गया है, हम इसको देख लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको आराम आराम से इसको पलट लेंगे। चलिए देखिए हो गया ये, हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कुरकुरा बन गया ये बिल्कुल। तो जब इसको निकाल लेते हैं, ये देखिए इसी तरह सारे को हम ऐसे ही बना लेंगे। चलिए इसी तरह हम सबको बना लेंगे। देखिए चिकन फ्राई बनकर तैयार हो गया है, इसी तरह से बनाइए, झटपट से बन जाता है ये, बहुत जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बताया है मैंने। तो इस तरह से आप जो चीज़ जितने भी चीज़ें घर में होता है ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ डाल के आप बना सकती हैं झटपट से, बहुत टेस्टी बनता है ये। इसको आप रुमाली रोटी के साथ खाइए, नान के साथ भी खाइए, इसी तरह से बनाइए। इसको आप ग्रीन चटनी दीजिए, जैसे धनिया पुदीना की चटनी, उसके साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है ये। इसमें डाल देंगे नींबू, थोड़ा नींबू का रस इस तरह से डाल करके आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।